व्हाट्स अप गाइस, दिस इज मीरा वंस अगेन बैक फ्रॉम द ग्लोबल ब्लॉगर। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने बस टूर किया था दानांग टू हैनोई बाय एसी स्लीपर बस। उसके बाद हमने हमारे होम स्टे में चेक इन किया और उसके बाद हम आए इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। तो भाई खाना खा के मज़ा आ गया। हैनोई आ रहे हो तो डेफिनेटली इस रेस्टोरेंट में ज़रूर खाना। ये वाला होटल है मिनरवा चर्च, उसके अंदर ही ये रेस्टोरेंट है मसाला आर्ट, और ये इंडियन का ही रेस्टोरेंट है। मतलब ओनर जो है वो इंडिया के है, यूपी से है। और सोने पे सुहागा ये है कि यहाँ पे जो चर्च है, हमें ये चर्च में जाना था वो यहीं पे है बाजू में, जस्ट यहाँ से 1 मिनट की दूरी पे, रेस्टोरेंट से 1 मिनट की दूरी पे ही है सेंट जोसेफ कैथीड्रल चर्च, जहाँ पे हमको जाना था। वरना फिर से कैब करनी पड़ती 300, 400, 500 रुपया। हाँ अच्छा है तो लक्की, ये अपना जो होटल है वो लक्की मानता हूँ मैं, बिकॉज बहुत ही मस्त होटल है मेन लोकेशन में, बिकॉज सब कुछ आसपास में ही मिल रहा है हम लोगों को। रेस्टोरेंट बोल दो, कुछ भी बोल दो, सारे ऑप्शन यहीं पे है। बहुत ही ब्यूटीफुल चर्च है, देखो ग्रेइश शेड है, डार्क ग्रे का शेड है और बारिश आने की तैयारी में है। और जो मेन गेट है वो बंद है, अंदर विजिटर्स को जाना अलाउड नहीं है। यहाँ पे कभी कभी है ना मेरे को कुछ कॉमेडी लगता है, इनके जो स्टूल्स है ना बहुत, समझो ना 15 से 20 सेंटीमीटर की हाइट पे है। ये देखो मतलब कितनी नीचे हाइट में लोग बैठते हैं, एडजस्ट कैसे करते होंगे पता नहीं। दूसरा यहाँ पे छोटी छोटी साइकिल्स भी मिलेगी, ये लोग आपको लोकेशन पूछ के चला के लेके आएंगे। जो भी है 50,000, 40,000 वैसा कुछ लेते होंगे ये लोग चार्जेस। हाँ खाना खाने के बाद, चर्च घूमने के बाद, अभी फाइनली हम लोग जा रहे हैं वेनिस पार्क, यानी कि वेनिस का डुप्लीकेट पार्क बनाया है ये लोगों ने, जिसका नाम है मेगा ग्रैंड पार्क, जो यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है। और इसका टैक्सी का भाव कुछ है 2,20,000 रुपया, मतलब 800-900 के बीच में कुछ पड़ रहा है हम लोग को। सब चीज़ें हम लोगों ने ग्रैब से बुक कर ली और बहुत ही इजीली एक्सेसिबल है यहाँ पे। तो आ गए फाइनली हम वियतनाम के वेनिस में। ट्रेन स्ट्रीट, बियर स्ट्रीट, सब कुछ देखा होगा, नाइट लाइफ देखा होगा, खाना देख लिया होगा, लेकिन वियतनाम का वेनिस तो नहीं देखा डेफिनेटली। ये मैं आपको आज पूरा बताने वाला हूँ। ये देखिए, दिस इज सो मैजिकल, सो कलरफुल, अमेजिंग। वेनिस जाने की जरूरत ही नहीं है। इतना सारा खर्चा करो फ्लाइट वाइट का, वेनिस जाओ वहां पे बोटिंग करो, उससे अच्छा यहाँ पे ही कर लो। ये उसका कॉपी है, कॉपी। अभी थोड़े टाइम में बोट आने वाली है, मैं आपको दिखाऊंगा। वो तो वहां से आ रही है एक बोट, ये देखने के बाद वेनिस का फील आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा, देखो भाई। यहाँ के कुछ कुछ लोकल्स ने हमें मना किया था ये प्लेस में मत जाओ मत जाओ, लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो एक्सपीरियंस मिला है, जो मतलब वाइब है यहाँ की, कितनी कलरफुल वाइब है, वी हाईली रिकमेंड दिस प्लेस। कैफे गिन गिन के मैं तो थक गया हूँ, यहाँ पे कैफेज है, बहुत सारी शॉप्स है, क्या क्या नहीं है साला, बहुत कुछ है इधर, बहुत कुछ है। ये देखो लाइन से दुकान है, लाइन से। अब मेरे को लग रहा है यहाँ पे ना 200-250 कैफेज रहेंगे आराम से। यहाँ पे बच्चे लोगों के लिए ट्रेन है, बहुत सारे स्टॉल्स है, कई जगह पे मैजिक शोज हो रहे हैं, कोई डांस कर रहा है, मतलब बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे देखने जैसी है। ये लोगों के साथ है, वेर इज द शो, शो वेर, नमस्ते। यहाँ पे 8:30 बजे इनका शो होने वाला है, बराबर वहाँ पे वो साइड में, एंड वो शो मिस मत करना, हम भी ट्राई करेंगे अटेंड करने का। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यहाँ पे गोंडोला वन वे और आइसक्रीम का रेट है 1,80,000 वियतनामीज डोंग, और गोंडोला राउंड ट्रिप का है 2,80,000 प्लस आइसक्रीम, और कैरोसेल राइड मेरे ख्याल से बोट राइड का 50,000 VND है। सबसे अच्छी ये बात है कि ये जो जगह है हार्डली नहीं है, आई थिंक 1-2 साल हुए रहेंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं हुए होंगे, और यहाँ पे आप स्टे भी कर सकते हो। यहाँ पे छोटे छोटे होटल्स भी है, आप अपना स्टे भी बुक कर सकते हो,
मेरा तो फर्स्ट टाइम था इसके लिए मुझे पता नहीं था, वरना एक दिन मैं यहाँ पे स्टे ले लेता। क्योंकि आप जो डे के वीडियोस देख रहे हो, 6 बजे के बाद जो यहाँ का माहौल रहेगा ना भाई, इससे भी भारी रहेगा और अमेजिंग रहेगा। हाँ मीना, हाँ उमर उमर करो भाई, यहाँ पे तो मेरी मम्मी को स्टार जैसा ट्रीटमेंट मिला है। ऐसा लग रहा था कि वियतनाम की टीवी सीरियल या फिर मूवीज में मेरी मम्मी का कोई हमशक्ल हो। यहाँ पे मेरी मम्मी का नाम पूछा, एज पूछा, इंटरव्यू ले लिया, पिक्चर्स ले लिए, वीडियो ले लिया, यहाँ पे सब कुछ मतलब बोले तो A to Z इंक्वायरी कर ली यहाँ पे। तो जैसे मैंने बताया था, 6 बजे के बाद का व्यू इतना कातिल है, इतना ब्यूटीफुल है, देख लो। अगर आप हनोई आ रहे हो तो प्लीज़ 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 इस जगह पे आना, पैसा वसूल है, आपको कुछ भी नहीं करना है। लोकेशन मैंने स्टार्टिंग में बोला था, ग्रैब ऐप से सीधा बुक करना है और यहाँ पे आ जाना है। 800 to 900 रुपीस होंगे। एंट्री यहाँ पे बिल्कुल फ्री है। और वो जो शो है, जो हमको जो आर्टिस्ट मिले थे, वो शो कुछ 8:30 बजे का है, हम लोग तो निकल गए थे। बाकी सब एंट्री फ्री है, बोटिंग के कुछ चार्जेस है, और कैफ़े वैफे तो आपको पता ही है, आपको जो पसंद आए वहाँ पे आप खा सकते हो, वहाँ के चार्जेस अलग है। बहुत मस्त एयरबीएनबी है, पूरा किचन अपना ही है और अपना ही खाना बन रहा है इधर। फ्री वाली शेफ मिल गई है, सब कुछ अभी यहीं पे फ्रेश बनेगा। ऐसा लग रहा है हम लोग हॉस्टल में रह रहे हैं और खुद से खाना बना के खा रहे हैं। दाल मखनी, जो भी नई ऑडियंस है प्लीज आके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम लोग कल जाने वाले हैं निनबिन, एंड आई विल बी शोइंग यू ऑल द प्लेसेस देयर। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।